फाइनली गाइस जितने भी स्टूडेंट ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था तो फाइनली सभी स्टूडेंट बेसब्री से वेट कर रहे थे कि उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि कब तक क्रेडिट की जाएगी। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो में हमने आपके डिस्ट्रिक्ट के DWO से बात किया है, जो मैं आपको लाइव प्रूफ रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ ताकि गाइस आपको पता चल पाए कि आपके खाते में स्कॉलरशिप की धनराशि कब तक क्रेडिट की जाएगी। चाहे गाइस आप 11th क्लास के छात्र हैं, 12th के हैं, UGPG किसी भी कोर्स के छात्र हैं, आज की वीडियो आपके ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, अगर आप सब भी अपने स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं। तो गाइस मैं यहां पे रिकॉर्डिंग को प्ले करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप इस रिकॉर्डिंग को स्किप मत करना, केयरफुली सुन लेना। इसके बाद गाइस मैं आपको अन टॉपिक पे कुछ और बातें बताने वाला हूं, तो प्लीज आप इसे केयरफुली सुन लेना। मैं यहां पे प्ले कर देता हूं। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में जानना था। क्या जानना था? मैम मेरा स्टेटस 5 है, लेकिन मेरा अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो कब तक आएगा? मार्च के लास्ट तक वेट करो। मैम हमारे सारे फ्रेंड का आ गया था अभी 11th क्लास का, मैम कब तक आएगा 11th क्लास का? जब वेरीफाई है तो फिर तो ठीक है। यस मैम, लेकिन सबका एक साथ नहीं जाता है, थोड़े थोड़े कट के लोगों का जाता है, इसलिए तुम भी वेट करो, जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैम मेरा अभी 11th वालों का तो नहीं आ रहा है, अभी देख रहा हूँ, बस ग्रेजुएशन वालों का आ रहा है, तो 11th वालों क्या आ सकते हैं? अपना सारा कुछ यहाँ लेकर आओगे तब फिर पोर्टल पे चेक करके ही बताया जा सकता है। मैम जैसे अभी आप अपने अकॉर्डिंग बता दो, छुट्टी पर है तुम्हारे पटेल सारे। हाँ छुट्टी पे है। हाँ मैम, जैसे अभी एक क्वेरी होगी, मुझे पता चल गया इसके बारे में, तो मैम जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, तो उनका पैसा कब तक आएगा, एक आप एक्सपेक्टेड बता दो। ऐसा है, पैसा हम भेजते नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते कब तक आएगा। हाँ मैम ठीक है, यस एक्सेप्टेड मैम, तब भी आप बता सकते हो ना कि कब तक आ सकता है? मार्च लास्ट का वेट करने का है। ओके थैंक्स मैम। गाइस आपने यहाँ पे साफ साफ 2 मिनट की रिकॉर्डिंग को सुन लिया है, लेकिन गाइस मैं आपका 2 से 3 मिनट और लेना चाहूंगा, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, तो प्लीज गाइस आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। आज की वीडियो गाइस सच में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया था मैंने ग्रुप में एक यहाँ पे पोल डाला था, मैंने यहाँ पे गाइस क्वेश्चन किया था कि DWO से बात करने जा रहा हूँ, आपकी जो भी शिकायत है आप यहाँ पे स्टेटस के माध्यम से सेंड कर देना, हम आपके रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में DWO से करने वाले हैं। तो गाइस हमारे पास मैक्सिमम ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर मैं 11th क्लास का हूँ, मैं ग्रेजुएशन का हूँ, मेरा स्टेटस वेरीफाई है, तो गाइस मैंने इसके रिलेटेड आर्ट्स की डेट में क्वेश्चन किया था। लेकिन गाइस आपने रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना है कि DWO का साफ साफ यही कहना था कि जो आपकी मेन डिटेल्स होती हैं मैं पोर्टल पर लॉग इन करूँगा तभी मैं चेक पाऊंगा, इसके लिए आपको DWO दफ्तर में आना होगा। तो गाइस अब मैं कल की डेट में DWO दफ्तर में जाने वाला हूं, तो आपके जो भी शिकायत हैं आप क्या करना, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। गाइस ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके मैसेजेस हैं आप यहां पे स्टेटस के माध्यम से कमेंट कर देना, मैं गाइस आपका पूरा रिप्लाई करूंगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, और गाइस मैं आपका पैसा लाने के लिए फुल ट्राई करने वाला हूं। गाइस लेटेस्ट न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी हेल्प डिस्ट्रिक्ट लेवल से करता है ताकि आपका पैसा आ सके। और गाइस हमारे पास जितने भी ऑडियंस जुड़े थे 70% बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा आ चुका है, 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं आया है, मैं जिनके लिए ट्राई कर रहा हूं। तो गाइस प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को मेंशन आउट करें, यहां पे हम आपका रिप्लाई करेंगे, हम आपका फॉर्म वेरीफाई करा के आपका पैसा लाने में फुल ट्राई करने वाले, तो आप इतना काम कर सकते हैं। और गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने पेमेंट को लगातार चेक करते रहना, क्योंकि आपका जो पैसा है लास्ट मार्च तक आने वाला है। इसके लिए गूगल पे आप सर्च कर लेना cmhelp.in, जैसे आप cmhelp.in सर्च करते हैं cmhelp की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको यहां पे सिंपल में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गाइस आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे, आपको नीचे आना होगा, नीचे यहां पे आप जैसे आते हैं यहां पे क्या है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24 आपको यहां पे क्लिक करना होगा। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यहां पे गाइस फिर से आपको नीचे आना होगा, नीचे आप जैसे यहां पे आते हैं ना तो यहां पे दिया गया है स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर PFMS, तो गाइस यहां पे सॉरी ऑन
पीएफ मेस, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने पीएफ मेस पेमेंट का स्टेटस चेक कर देना है। अगर गाइस आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ आप जाओ डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पर मैसेज कर देना कि सर हमें ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं गाइस आपका पूरा हेल्प करूँगा, मैं आपका पैसा लाने के लिए फुल ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस इतना आप आज के लिए कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।